नेहा जोशी, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। राजस्थान में चुनाव आते ही बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। सीएम अशोक गहलोत के पैर में लगने के बाद विपक्ष कई तरह के कटाक्ष भरे बयान साध रहा है। 1 अगस्त को बीजेपी के बड़े रण में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि सीएम साहब के पैर में चोट लग गई है, मतलब गाड़ी पंचर हो गई है और इस पंचर गाड़ी से राजस्थान नहीं चलेगा। तो वहीं सांसद किरोड़ी मीणा ने कहा कि पैर में चोट लगी थी और प्लास्टर पायजामे के ऊपर बंधा हुआ है, तो ये जो पैर में चोट लगी है ये एकमात्र बहाना है। इस तरह के बयान थमे नहीं है, बल्कि गजेंद्र सिंह शेखावत ने एक बड़ा बयान दिया है कि जो आने वाली 7 तारीख है, उस तारीख को सीएम अशोक गहलोत को न्यायालय में खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए वो पैर में चोट लगने का बहाना दिखा रहे हैं जनता को। ये पूरा मामला बताते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मैंने धारा 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज करवाया था सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ। उस केस में न्यायालय ने 7 तारीख को सुनवाई रखी है। न्यायालय में जाना न पड़े इसलिए सीएम अशोक गहलोत ने अपने पैरों को पंचर कर लिया है और यह गाड़ी पंचर हो गई है और ऐसी गाड़ी से नहीं चलेगा राजस्थान। ये सभी बयान सुनिए गजेंद्र सिंह शेखावत के खुद की जुबानी। एक तरफ जनता की अदालत में जो जनता का आक्रोश राजस्थान के गांव ढाणी में, राजस्थान के गली मोहल्ले में, राजस्थान के हर नगर में, हर कूचे में जो जनता के मन में है, वो आज यहां आक्रोश कप की प्रतिमूर्ति यहां दिखाई दी है। और दूसरी तरफ कानून की अदालत में माननीय मुख्यमंत्री जी पर जो डिफेमेशन का सूट मैंने फाइल किया था आपराधिक धाराओं में सेक्शन 500, और उस मानहानि के मुकदमे में जो राउज कोर्ट में पिछले महीने में जजमेंट हुआ था, जिसमें न्यायालय ने प्राथमिक दृष्टि से मुख्यमंत्री जी को दोषी मानते हुए न्यायालय के समक्ष प्रोसीडिंग्स में के लिए पेश होने का निर्देश दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी की लीगल टीम मुख्यमंत्री जी की तरफ से सेशंस कोर्ट में जाकर के और अपूरी अपील प्रस्तुत की थी कि इस राउज कोर्ट के निर्णय के ऊपर न्यायालय रोक लगाए, स्टे करे, लेकिन आज कानून ने एक तमाचा मारते हुए उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को 7 तारीख को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित करने का आदेश दिया। आप राजस्थान के सब पत्रकार मित्रों के मन में और राजस्थान के करोड़ों लोगों के मन में एक प्रश्न है। आज जब भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के समक्ष हजारों लोगों की उपस्थिति में जब वक्तागण भाषण दे रहे थे, तो बहुत लोगों ने इस बात का उल्लेख किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पांव में पट्टे क्यों बंधे, इसका राज क्या है। आदरणीय राजेंद्र सिंह जी गहलोत साहब ने, राजेंद्र सिंह जी राठौर साहब ने, आदरणीय किरोड़ी लाल जी ने और उसके अतिरिक्त भी अन्य वक्ताओं ने वो राज को जानने की, खोलने की कोशिश की थी। मैं आज सब मीडिया के मित्रों के सामने उस राज का पर्दाफाश करना चाहता हूं, क्योंकि 7 तारीख तक ये पट्टा नहीं खुलेगा। अगर पट्टा खुलेगा तो खुद को जाकर के न्यायालय में खड़ा होना पड़ेगा। ये न्यायालय में जाकर के खड़े होने से छूट लेने के चलते ये गाड़ी जो है पांव में कील चुभा करके पंचर होकर के बैठी। इस तरह के बयान सुनकर साफ पता चल रहा है कि सीएम गहलोत की तुलना एक पंचर गाड़ी से की जा रही है, लेकिन गहलोत साहब पीछे हटने वालों में से नहीं है। सीएम गहलोत का जनता से मिलने और योजनाओं लागू करने का दौर जारी है। बहरहाल इस बार राजस्थान में सीएम फेस की अभी पुष्टि नहीं हुई है और जनता की आंखों में इंतजार इसी का है कि इस बार सीएम कौन होगा। इस पर आपका क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया, मैं आपके साथ नेहा जोशी। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।